हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एक्सपोजर फोटोग्राफी चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक। मेरे को अधिकतर लोगों ने मैसेज किए हैं, डीएम किए हैं और बहुत सारे यूट्यूब पर कमेंट भी आए हैं मेरे पे कि सर, हम अपने गिम्बल से पोर्ट्रेट वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल वीडियो या फिर स्टैंडिंग वीडियो आप कह सकते हैं उसे, जो आप इंस्टाग्राम रील में यूज़ करते हैं, फेसबुक पर यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आपकी पोर्ट्रेट वीडियो डलती है। तो पोर्ट्रेट वीडियो शूट करने के लिए अधिकतर लोग, मैंने देखा है कि अब DSLR का यूज़ करते हैं, मिररलेस कैमरे का यूज़ करते हैं, जिससे आपकी क्वालिटी बेटर हो सके और आपके व्यूज आ सके और आपकी रीच अच्छी हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि कुछ गिम्बल्स ऐसे हैं जिनमें हम पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि उनमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया होता है। आप अपनी प्लेट को पोर्ट्रेट में भी एडजस्ट कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ गिम्बल्स ऐसे हैं, जैसे कि मेरे पास है रोनिन एस का गिम्बल, जिसमें मेरे पास पोर्ट्रेट का ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने कैमरे को उसे हॉरिजॉन्टल या पोर्ट्रेट करके लगा सकूं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पोर्ट्रेट वीडियो को अच्छे तरीके से कैसे शूट कर सकते हैं और कैसे पोर्ट्रेट कैमरा लगाने के बाद अपने गिम्बल को बैलेंस कर सकते हैं। सही तरीका क्या है पोर्ट्रेट वीडियो पर अपना कैमरा लगाने का और किन एसेसरीज की हमें ज़रूरत पड़ेगी पोर्ट्रेट के लिए। तो करते हैं दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, वर्टिकल वीडियो शूट करने से पहले हमें अपने कैमरे को करना पड़ेगा सेटअप, और सेटअप सबसे पहले इस चीज़ का है कि मुझे लगानी है यहाँ पर अपने कैमरे के ऊपर ये एल टाइप की वर्टिकल प्लेट, जिसे मैं अपने सबसे पहले अपने कैमरे पर करूँगा अटैच। और कर लेता हूँ पहले मैं इस प्लेट को अपने कैमरे के ऊपर अटैच। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी ये प्लेट हो चुकी है अब मेरे कैमरे के ऊपर अटैच एकदम अच्छी तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं जिसमें हम अपना जो रोनिन एस की अपनी जो प्लेट है उसे हम अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इसके स्क्रू लगाने के लिए आपको पॉइंट दिए गए हैं जिसमें आप स्क्रू लगा सकते हैं। तो सेकेंड पे मुझे करना है इसकी, ये रोनिन एस की हमारी ऐसी प्लेट आती है जिसे हम नॉर्मली तो लैंडस्केप में तो अपने कैमरे पर ऐसे ही सीधे डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन वर्टिकल के लिए आपको पहले ये प्लेट लगानी होगी और उसके बाद मुझे यहाँ पर वर्टिकल के लिए इसे यहाँ पर अटैच करना होगा कुछ इस टाइप से। तो पहले मैं इसे कर लेता हूँ अटैच। तो यहाँ पर मेरी ये अपनी रोनिन एस की प्लेट हो चुकी है अटैच, आप देख सकते हैं। और अटैच करने से पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका जो एल ब्रैकेट है वो भी एकदम परफेक्टली अटैच हो, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं हो, उसका बैलेंस आउट नहीं हो। और उसके बाद जो आप रोनिन एस की प्लेट लगाएंगे उसे भी आपको एकदम सेंटर में करके लगाना है। और ये पेच है आपका, ये थोड़ा सा लास्ट तक लगाना है आपको, जिससे कि आपको आगे के लिए स्पेस मिल जाए आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि इसका वेट आगे ज़्यादा होता है। तो अब मैं सीधा यहाँ पर, ये मेरा हो चुका है अपना कैमरा रेडी गिम्बल के ऊपर लगने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको गिम्बल को बैलेंस कैसे करना है, इस एल ब्रैकेट के साथ आप कैसे इसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि लैंडस्केप में तो अलग तरीका होता है बैलेंस करने का और वर्टिकल के लिए आपको थोड़ी सी इशू आने वाले हैं इसमें बैलेंस करने के लिए। तो पहले हम करते हैं सीधे इसे बैलेंस के लिए रेडी। तो यहाँ पर ये मेरा रोनिन एस गिम्बल है, आप देख सकते हैं, ये मेरा एक रोनिन एस का गिम्बल है जिसे मुझे करना है इसके ऊपर माउंट, अपने कैमरे को इसके ऊपर माउंट करना है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर सीधे इसे इस टाइप से माउंट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसे और पास में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे को आगे से सीधा इसे पीछे की तरफ करना है अटैच,
यहाँ पर ये वाला लॉक इस आप एकदम ओपन कर लेंगे, इधर ये लॉक होगा और इधर ये अनलॉक होगा। तो इसे यहाँ पर मैंने कर दिया है माउंट। ओके, और पहली चीज़ आपको देखनी है कि इस कैमरे का कौन सा बैलेंस आपको फर्स्ट थिंग पे सही करना है। तो आपका ये वाला जो इसका बैलेंस है, ये वाला, इस वाली मोटर का, सबसे पहले आपको इसे करेक्ट करना है। यहाँ पर ये मैंने इसे थोड़ा और इधर हो गया, तो यहाँ पर मेरा ये हो गया है एकदम बैलेंस। ये वाली मोटर का बैलेंस जो है वो मैंने एकदम कर दिया है करेक्ट। और अब हमें करना है सीधा इस वाली मोटर का बैलेंस करेक्ट, जो ये आगे वाला प्लेट है इसका बैलेंस, कि अभी ये पीछे हो रहा है ना, तो इसे मुझे थोड़ा सा आगे करना होगा। और पहले इसे कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे हो गया है एकदम करेक्ट बैलेंस। और मैं इसे लॉक कर देता हूँ यहाँ पर, और लॉक होने के बाद अब मेरा दो मोटर का तो बैलेंस हो गया है करेक्ट। अब मुझे करना है इसका ये ऊपर वाला बैलेंस करेक्ट। तो सीधा आपको ऐसे अपना कैमरा ऊपर करना है, और ये आपका एकदम छोड़ने पे एकदम नीचे आ रहा है ना, तो ये नीचे नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी आपको। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर छोड़ा है तो ये कैमरा यहीं पर ही रहना चाहिए, तभी आपका अच्छे से परफेक्ट तरीके से आपका बैलेंस होगा। तो मेरे को यहाँ पर ले जाके और इस वाली मोटर का ये वाला पोजीशन पीछे की तरफ करना है, यानी ऊपर की तरफ। ये हो गया यहाँ पे, और जहाँ पर आपको लगे कि ये बैलेंस हो गया है, आप धीरे धीरे कर सकते हैं। अब ये हो चुका है एकदम परफेक्टली बैलेंस, क्योंकि ये जैसे ही मैंने ऊपर कराया तो ओनली ऊपर ही है। उसके बाद मैं इसे कस देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने ये कस दिया है, और उसके बाद मुझे करना है इसको सीधा, तो ये मैं एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया है। ये थोड़ा बहुत इसमें अंतर पड़ता है, तो उसे आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस वाली मोटर से ये हो गया परफेक्टली आपका रेडी गिम्बल। और सीधा आपको केबल को इसे यहाँ पर अटैच करना है इस वाले उसमें। केबल मेरा हो चुका है अटैच, और मेरा गिम्बल रेडी है। और थर्ड जो आपको अगर करना है तो उसे आप कर सकते हैं, सीधा आपको गिम्बल को यहाँ पर इस टाइप से ऐसे लिटाना होगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पर। और उसके बाद ये वाला जो आपका बैलेंस है इस वाली मोटर का, वो आपको करना है कुछ इस टाइप से, ये ऐसे लेट जाएगा। और जैसे कि ये पीछे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसे उठा रहा हूँ तो खाली ये उठ रहा है, तो ये नहीं उठना चाहिए, आपका पूरा गिम्बल एक साथ उठना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा और बाहर कर देता हूँ, और थोड़ा सा, हाँ, अब ये एकदम परफेक्टली है, मेरा पूरा गिम्बल इसी पर उठ गया है। तो मैं इसे यहाँ से कस देता हूँ। ओके, और अब हम कर लेते हैं इस गिम्बल को सीधा। तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट तरीके से हो चुका है मेरा गिम्बल रेडी। और अब मैं कर लेता हूँ इसकी बैलेंसिंग टेस्ट, कि अधिकतर इसका बैलेंस परफेक्ट है या नहीं। और इसका वेट भी हमें डालना होगा इस गिम्बल पर, क्योंकि अलग अलग कैमरों का अलग अलग वेट होता है, तो वेट भी मुझे चूज़ करना है। तो सब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कर लेता हूँ ऑन यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर मेरा ये गिम्बल हो चुका है ऑन एकदम, ये हो चुका है मेरा गिम्बल ऑन, और यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा है फ़िलहाल। और मैं कर लेता हूँ अब इसका बैलेंस टेस्ट। तो सीधा मुझे जाना है अपने DJI के ऐप में, यहाँ पर मैं अपने जा रहा हूँ अपने DJI के ऐप के अंदर, जो आपका DJI का ऐप है वो DJI Ronin के नाम से ऐप होता है इसका। और सीधा मुझे कनेक्ट करना है कनेक्ट, और तो यहाँ पर मेरा हो चुका है ये कनेक्ट अपना ऐप। और कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले मुझे करना है इसका मोटर परफेक्शन पे जाना है, सॉरी मोटर पैरामीटर्स, और उसके बाद इसका वेट, जो मेरे कैमरे का वेट है वो मुझे इस गिम्बल को बताना होगा कि मेरा वेट इतना है इस कैमरे का, तो उस हिसाब से अपनी मोटर को एडजस्ट करेगा, उतना ही वेट लेगा। तो मुझे ऑटो टोन पे करना है क्लिक, और उसके बाद ये अपना ऑटो टोन करेगा 100% तक। 100% होने के बाद ये अपना वेट उसे ले लेगा। तो यहाँ पर 45-60% हो चुका है मेरा, और ये 90%, और ये मेरा हो गया एकदम परफेक्टली इसका वेट, इसने गिम्बल ने मेरे ने ले लिया है। और उसके बाद हमें जाना है सीधा बैलेंस टेस्टिंग पर। तो मैं अब करता हूँ इसकी बैलेंस टेस्टिंग।
तो यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। ओके, अब ये बैलेंस टेस्ट कर रहा है अपना कि कैसे टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना बैलेंस टेस्ट कर रहा है, कुछ इस टाइप से ही करेगा। तो यहाँ पर मेरा सब चीज़ टिल्ट एक्सीलेंट, रोल एक्सीलेंट, पेन एक्सीलेंट, सब चीज़ एक्सीलेंट आई हैं। और यहाँ पर मेरा हो चुका है एकदम रेडी गिम्बल अपना शूट के लिए। तो मुझे सीधा अपना करना है कैमरा ऑन, और ये हो गया हमारा कुछ इस टाइप से। आपका ये गिम्बल एकदम बढ़िया तरीके से एकदम हो गया है रेडी शूट के लिए। तो अब यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ वीडियो पे। ये हो चुका है मेरा गिम्बल रेडी, और आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करता हूँ तो एकदम बेहतरीन तरीके से, परफेक्ट तरीके से ये अपना मेरे इस कैमरे को अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर ये एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, और उसके बाद आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक ये पेन फॉलो वाला मोड है, इसमें आपका ये अच्छे तरीके से खाली ये अपना साइड बाई साइड आपका फ्रेम टेढ़ा नहीं होगा। और उसके बाद आपका ये आता है 360, जिसमें आप सीधे ऐसे करके अपना 360 एक वीडियो निकाल सकते हैं इसमें पोर्ट्रेट मोड में, और सीधा इसको डबल टैप करना है। और उसके बाद यहाँ पर ये अपना एकदम फ्री हो गया, आपका कैमरा लॉक मोड है, पूरा गिम्बल एकदम से लॉक हो जाएगा। तो इन सेटिंग्स को यूज़ करके आप पोर्ट्रेट वीडियो अच्छे से अपना कर सकते हैं कैप्चर। और ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको जानना है कि मैं अपने गिम्बल में कौन कौन से मोड और किस किस टाइप के मोड यूज़ करता हूँ जिससे मेरे पोर्ट्रेट वीडियो या फिर आपकी लैंडस्केप वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से आती है, बिल्कुल भी गिम्बल शेक नहीं करता है, और कैसे हम गिम्बल चलाता हूँ मैं, इस गिम्बल को मैं कैसे यूज़ करता हूँ, किस स्टाइल से मैं चलाता हूँ कि मेरी वीडियो एकदम स्मूथ आती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। मैंने देखा है कि कुछ लोग गिम्बल यूज़ करने के बाद भी उनकी वीडियो हिलती है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि मैं अपने कौन से मोड यूज़ करता हूँ, कैसे इसे यूज़ करता हूँ, कैसे शॉर्ट्स यूज़ लेता हूँ अपने गिम्बल से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, या फिर आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही।